उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए अच्छा खासा बजट भी पेश किया गया था, लेकिन प्रदेश की सड़कों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। फरुखाबाद जनपद के गाँव याकूतगंज की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने रो नहीं तो वोट नहीं तख्तियाँ लेकर जमकर हंगामा काटा। छात्राओं व महिलाओं का कहना है कि पक्की सड़क के लिए विभाग के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन समस्या अब तक नहीं हल हो सकी। देखिए समाचार इंडिया की रिपोर्ट। आपको बता दें, विधानसभा भोजपुर के अंतर्गत याकूतगंज में सड़क न बनने के कारण गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। लोगों का कहना है कि महमूदपुर में प्राथमिक विद्यालय तक कोई पक्का रास्ता नहीं है। इस मार्ग पर कीचड़ व जलभराव रहता है, जिस कारण बच्चों को स्कूल जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कच्चा रास्ता होने के चलते आए दिन राहगीरों को भी चोटिल हो जाते हैं। लंबे अरसे से विकास के लिए मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई बार अधिकारियों की चौखट पर दस्तक देने के बावजूद समस्या हल नहीं हो सकी। चुनाव के समय तो नेता क्षेत्र में विकास कराने की बात कहकर बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, इसके बाद जनता को सब भूल जाते हैं। अब इन नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा और वोट नहीं दिया जाएगा। जब भी सड़क, बिजली और पानी की बात करो तो केवल आश्वासन ही मिलता है। क्या करती हैं आप? ये कौन सा ग्राम है? चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं आप, किस कारण कर रहे हैं? मतलब हमारे गांव में रोड नहीं है, इसीलिए हम नहीं। कब से ये रोड नहीं है? मतलब हम पैदा हुए तब से हम देख रहे हैं, मतलब रोड नहीं है, कच्चा ही है, भूल जाते हैं, मतलब बहुत दिक्कत होती है स्कूल जाने में बच्चों को, हमको भी। इससे पहले आप वोट डाले हैं? हाँ, एक बार डाले, दूसरी बार इस बार नहीं डालेंगे रोड के हमारे। इससे पहले आपने जो वोट डाला था वो कौन सा चुनाव था? प्रधानमंत्री वाला था। वो तो लोकसभा वाला था, या कौन सा डाला था आपने? किस समय, कितने दिन पहले डाला था आपने? 5 साल पहले डाला। कितनी उम्र होगी अभी आपकी? 25वीं साल में। वो ये दोबारा वोट डालेंगे आप लोकसभा में? इस बार डालना नहीं है आपको? नहीं, अब नहीं डालना। अगर कोई अधिकारी आता है, संतुष्टि करता है कि हम वोट बनवा देंगे, तो क्या आप लोग वोट डालेंगे? क्या नाम भैया आपका? सचिन यादव। क्या करते हैं आप? ग्रेजुएशन BSc। कौन सा ग्राम है ये? महमूदपुर। क्या परेशानी आज आप बोर्ड का बहिष्कार कर रहे हैं? यही परेशानी है, हम लोग युवा पढ़ते लिखते हैं, जाने तक जाने में परेशानी होती है, आने में परेशानी होती है, साइकिल भीग जाती है, कभी पैर भीग जाता है, और गड्ढे हैं, पैर भीग जाते हैं उसमें। कितना समय हो गया जब से ये रोड की? मैं तो देख रहा हूँ जब से पैदा हुआ तब से। अभी तक किसी भी अधिकारी नहीं, किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी। थानाध्यक्ष के वो भी बोले थे पोस्ट भेजेंगे, लेकिन कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे कभी बात हुई क्या? बात हुई, वो भी बोलते करवाएंगे, लेकिन पता नहीं वो भी मुकर जाते। अगर आप युवा हैं, आप अभी तक इससे पहले कभी वोट डाले हैं? अभी तक डाले हैं, ग्राम पंचायत का डाले हैं, लोकसभा का नहीं डाले। मतलब पहला आपका ये वोट होगा लोकसभा के लिए, और ये भी आप डालेंगे नहीं? ये भी नहीं डालेंगे। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध भी दर्ज कराया है। उनका कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले सड़क बनाकर गांव को मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया तो सभी गांव वाले वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इलाके की प्रिया, रंजना, पलक, नंदिनी व सुरेंद्र चंद्र समेत 50 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि इलाके में से कुछ दबंग लोग खेत का पानी भी सड़क पर छोड़ देते हैं और उनको मना करने पर भय गाली गलौज करते हैं। फरवरी के माह में नगर मजिस्ट्रेट राम अक्षयवर चौहान को ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। भैया आपका? क्या करते हैं आप?
ये कौन सा ग्राम है? ये महमूदपुर है। अच्छा, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं? चुनाव क्या, मेरे नेता लोग आते हैं कहते हैं तुम्हारे गाँव रास्ता बहुत खराब है, कि बन जाएगी लिख लेते हैं कि आपकी चुनाव जीत, जब चुनाव हो जाता है जीत जाते हैं तो पता नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं, कोई आता नहीं दोबारा। फिर इसीलिए हम अपनी ठान लिया पूरे गाँव ने कि जब तक रोड नहीं बन जाएगा तब तक वोट नहीं डालेंगे। अगर आपके ये रोड नहीं बनता है और चुनाव का समय है, अगर चुनाव यहाँ मतलब नेता जो लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, अब फिर कोई भी आए जल्द पहले मेरा रोड बनेगा तब वोट डालेंगे, कुछ भी कहे कुछ तब तक नहीं पड़ेगा जब तक वोट रोड नहीं बनेगा। झूठे वादे अगर करता है तो नहीं, हम बात मानेंगे झूठे वादे, 70 साल होंगे झूठे वादे सुनते, अब नहीं जब रोड बन जाएगा तभी वोट डालेंगे, जो रोड बनवा देगा अब वोट डाल देंगे। अगर कोई अधिकारी यहाँ पर आता है आपको संतुष्ट करने के लिए, अधिकारी अब क्या, पहले अधिकारी सबके पास गए, हम लोग पूरे टेंडर लेके गए, सब काम किए, अधिकारी कोई सुनता नहीं, कहते कल लाएंगे, कल दोबारा होता ही नहीं, अधिकारी आए चाहे कोई भी आए। इससे पहले आपने वोट दिया हमें? इससे पहले आपने वोट किया? हाँ वोट तो किया था। कोई किसका किया था? दिया था ये क्या, अब तो मतलब लोकसभा का ये पहला आपका वोट है? हाँ लोकसभा, वो आप देंगे नहीं? हाँ वो नहीं डालेंगे। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी लगभग 19-22 साल। क्या नाम है आपका? राम लीला। ये कौन सा ग्राम है? महमूद। क्या परेशानी आपको आज आप वोट नहीं डाल रहे हैं? हमारे पास सर एग्जाम लाए हुए निकले कर रखता नहीं है, इसलिए वोट नहीं डाले। हमारे पास सर जिक्रा मिला है, रोड नहीं है, विकलांग आदमी हमें, अभी जाने आने में परेशानी हुआ थी। इस बार आप वोट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं डालेंगे। फरुखाबाद से आलोक दुबे की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।